नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शेखावटी इलाके में भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत कर कांग्रेस में लाल डायरी को लेकर उठे विवाद पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पहले राजस्थान के विकास का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन जब से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है तब से विकास के काम में रोड़े अटकाने का काम ही चल रहा है। कांग्रेस की सरकार का मतलब है लूट की दुकान और झूठ का बाजार। इस लूट की दुकान का ताजा प्रोजेक्ट है लाल डायरी। मोदी ने कहा कि कितनी ही ताकत लगा ले, लेकिन लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। लाल डायरी के नाम से ही कांग्रेस के नेताओं की बोलती बंद हो रही है। लोकतंत्र में सरकार को अपने काम का हिसाब देना पड़ता है, लेकिन जो 4 साल सिर्फ सोएगा वो काम का हिसाब कैसे देगा। इन लोगों ने सरकार का हर दिन आपसी खींचतान वर्चस्व की लड़ाई में बर्बाद कर दिया है। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।